अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई मोहम्मद हसनैन के मुतबादल का ऐलान कर दिया गया, यानी कि हसनैन की जो रिप्लेसमेंट है वो अब अनाउंस कर दी गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले या पाकिस्तानी फैंस को जो भी समझ मिली है, बहुत बड़ी खुशखबरी। तो क्या सीन है, आज हमारा मौजूद बहस यही होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की यंग सेंसेशन, ग्रेट जनरेशन का ये बंदा है हसनैन। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हसनैन तेज तरह बॉल डालते हैं। बरल एशियन गेम से अब ये बंदा रूल्ड आउट हो चुका है। तो मोहम्मद हसनैन को मुबस्सिर खान जो है वो भाई अब रिप्लेस करने जा रहे हैं एशियन गेम्स के अंदर। तो ये भाई मोहम्मद हसनैन की रिप्लेसमेंट है, एक बेहतरीन इकदाम है। तो पाकिस्तान की टीम वहां पर खेल रहे हैदर अली है, आसिफ अली है, तो सारे ऐसे जो सितारे वहां पर खेल रहे हैं, शाहनवाज धानी हो गए, तो ये वहां पर खेल रहे हैं। तो जनाब अब जो मोहम्मद हसनैन की रिप्लेसमेंट है वो जनाब है मुबस्सिर खान, जो कि एक बेहतरीन इकदाम है यहाँ पर समझता हूँ पीसीबी का, कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर है उनको यहाँ पर मौका मिल रहा है। इसके अलावा जनाब अगर यहाँ पर बात करें पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के अंदर, जो बड़ी गुड न्यूज है वो ये है कि भारतीय अम्बेसी ने समझे पाकिस्तान को गारंटी दिलाई है कि पाकिस्तान टीम को जल्द वीजा जो है वो इशू किया जाएगा और पाकिस्तान की टीम वेनसडे को ही भारत जाएगी। और ये एक बेहतरीन इकदाम है और मैं समझता हूँ ये तो खैर पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल पाकिस्तान अब वार्म अप जो मैचेस है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह खेलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड 29 सितंबर को इन हैदराबाद, और जो दूसरा मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो भी हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान खेलेगा। और पाकिस्तान अपने दो इब्तदाई मैचेस अगेंस्ट नदरलैंड और अगेंस्ट श्रीलंका वो भी पाकिस्तान हैदराबाद में खेलेगा। तो पाकिस्तान के लिए तैयारी बड़ी तगड़ी हो जाएगी और फैंस इंतजार कर रहे थे भाई वीजे जो है कब आएंगे, ये है वो है। बरल गुड न्यूज है पाकिस्तान टीम के लिए कि अब वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान का सफर है अब उसकी तैयारी है। और इसके अलावा अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई मैं हर नंबर पे पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हूं और अगर मौका मिलेगा तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूंगा, लेकिन बंदे ने यह क्लियर किया कि ना सिर्फ ओपनिंग के तौर पर यानी कि एज ओपनर खेलना चाहता हूं, बल्कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर मुझे मौका दिया गया तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अपडेट्स के लिए तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर, पहली बार चैनल सब्सक्राइब प्लीज।